हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हैप्पी रक्षा बंधन 2013 राखी फेस्टिवल खान सर रक्षा बंधन। तो भाई साहब आज रक्षा बंधन है तो वीडियो हम लेट ला रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और भाई हमारी तरफ से तमाम बहन भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखते हैं खान सर की वीडियो और अपना रिजल्ट पर देंगे। कॉल करते हैं, वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा हाथ नहीं उठ रहा, इतना ज्यादा राखी हो गया यहाँ पर। अब हमको ना एक बार अब जाके दिखाना पड़ेगा इसको खुलेगा कैसे यहाँ पर, एक बार कई आदमी मिलके लगेंगे इसे खोलने के लिए। क्योंकि अभी देखिए इस बार भद्रा भी लग रहा था, तो भद्रा लगने से पहले ही राखी को बांधना होता है या फिर भद्रा खत्म होने के बाद। तो हम लोग भद्रा लगने से पहले रक्षाबंधन को मनाएं, और अभी सारी लड़की लोगों को खाना पीना भी खिलाना बाकी है। इस बार तो रक्षाबंधन इतना ज्यादा हो गया, 7000 से ज्यादा राखी क्रॉस कर गया यहाँ पे। जब राखी को खोलेंगे तो हम आप लोगों को काउंट करके बताएंगे, लेकिन लगभग अभी 7000 से ज्यादा इस बार का रक्षाबंधन बन गया। सारी लड़कियों को रक्षाबंधन, देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और पूरे देशवासियों से कहेंगे अपनी बहनों को पढ़ने दीजिए, बेटियों को जितना पढ़ने दीजिए, पढ़ लिख कर परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करें। उन्हें मत बांधिए बेड़ियों में, उन्हें खुला पढ़ने की पूरी आज़ादी दीजिए, लड़कों के बराबरी। अमीर घर वो नहीं जिसके घर में नोट की पेटी हो, अमीर घर वो होता है जिसके घर में मुस्कुराती हुई बेटी हो। और लोग कहते हैं कि बेटियां ब्याह के दूसरे घर चली जाती है, ये आपकी गलतफहमी है। वो अपना चेहरा बदल के वापस बहू के रूप में आती है, आप समझ नहीं पाते हैं। और अपनी ही बेटी को जब बहू के रूप में सताते हैं तो वो परिवार में ही हमेशा कलह होता है। इसलिए आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपके घर में अगर कोई बहू आ रही है वो ये सोचिएगा कि चेहरा बदल के आपकी बेटी ही आ रही है। और आज हम सब रक्षाबंधन इसलिए मना सके, हम लोग रक्षाबंधन के रूप में बहनों की रक्षा के लिए ये जो राखी बांधी जाती है, आज इस रक्षाबंधन के दिन एक सल्यूट उन भारत के वीर जवानों को जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जिनके वजह से हम लोग आज ये रक्षाबंधन त्यौहार मना पा रहे हैं। तो हम सभी यहाँ से देशवासी भारत के बॉर्डर पर लगे हमारे सभी सैनिकों को, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री, जितने लोग हैं हमारे, सारे लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग वहां अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं तो हम लोग यहां हर त्यौहार को खुशी से मना पाते हैं, और आप लोग को अपने परिवार में आने का भी मौका नहीं मिल पाता है। सारे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चूंकि अभी राखी बनवा के जस्ट उठे ही हैं और नक्षत्र का भी ध्यान रखना होता है यहाँ पे, अब सब लोग का खाना पीने का भी अब व्यवस्था देखना है यहाँ पे, फिर हम जब जैसे करते हैं तो फिर हम आपको एक लंबी वीडियो बना के आपको सारी चीज़ों को दिखाते हैं कि इस बार का रक्षाबंधन कैसे अलग था। सारे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब खान सर का तो हाथ आज इस तरह लग रहा है जैसे वो शहनशाह मूवी में होता है ना, अमिताभ बच्चन का, इस तरह के वो लोहा चढ़ा होता है उसके, तो आज वो लग रहा है सीन। तो बाकी भाई साहब खान सर के तो बात ही अलग है, पिछली साल भी हमने वीडियो देखी थी, उस वक्त भी हजारों राखियां बांधी गई थी खान सर को। बिल्कुल, और बड़ी खुशी की बात होती है कि भाई साहब के जब कोई बंदा त्यौहार मनाने वाला और इतने ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिले, खान सर भी जो आपने भी वर्ड सुने कि तमाम, मैं कहता हूँ जो माँ बाप है उनको भी सलाह दे रहे थे, सास ससुर को भी दे रहे थे कि भाई अगर आप अपनी बेटी को ब्याह कर दूसरे घर भेजते हैं तो बहू की शक्ल में वही बेटी वापस आ जाती है। तो अक्सर होता है कि कुछ खास करके जो लेडीज होती है ना, सास होती है, ससुर तो भी फिर वो अच्छा होता है, सास जो होती है वो भाई क्या करती है, वो औरत की दुश्मन औरत ही है वैसे। हाँ, वो अपनी बेटी को ना वो मतलब जो बहू होती सारी उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाती, वो उसका ध्यान बेटी मतलब बेटी के लिए अलग चाहती है और बहू के लिए अलग कानून होता है। तो ये चीजें होती है, कुछ दोगलापंथी होती है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे घर में वैसा यही चीज मिलती है कि जो माएं होती है वो अपनी बेटी के लिए अलग प्यार रखती हैं और जो बहू होती है उनके लिए अलग। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना नहीं चाहिए ऐसे। बाकी भाई साहब हमारी तरफ से आप सबको, बहन भाइयों को,
बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही खुशी देर देर और मुबारक। खान साहब ने जो बोला ना बेटी या जो भी ये रिश्ता है इसको ना घर में नहीं रखना चाहिए, बांध कर नहीं रखना, इसको पढ़ाओ, एजुकेट करो, ताकि इस काबिल हो जैसा कि आने वाली नस्ल को ना भाई साहब आगे बढ़ा सके। वैसे तो भाई साहब उसकी वजह ये है ना मौसम के, एक मर्द पढ़ा तो एक अकेला ही पढ़ा, एक बेटी पढ़ी तो पूरा खानदान पढ़ा। भाई बात ये है की रक्षाबंधन की बात करें तो इसके पीछे भी कई स्टोरीज है। तो एक जो मुझे पता है वो है कि श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, खून बह रहा था, तो उसके लिए वो द्रौपदी जी जो थी उन्होंने अपनी साड़ी का जो पल्लू है थोड़ा सा वो फाड़ के वो बांधी थी, पट्टी बांधी थी, तो ये राखी उस वक्त की बन गई। और उन्होंने श्री कृष्ण ने वादा किया था उनकी हिफाजत करने का, दुर्योधन, हाँ बिल्कुल, दुर्योधन ने वो साड़ी उतारने की कोशिश की थी लेकिन वो साड़ी इतनी लंबी हो गई कि वो उतार नहीं पाए, उस वक्त जो है वो श्री कृष्ण ने बचाया था। तो भाई आज के दौर में भी ये चीजें लागू होती हैं कि कोई भी बहन, साफ जाहिर है कि बहन और भाई का बहुत प्यार गहरा होता है, और ये प्यार गहरा तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब राखी बांधी जाती है तो भाई जो है वो वादा करता है बहन से कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो अक्सर जो है वो ना ये सिर्फ रक्षा, सिर्फ ये वो जान की हिफाजत नहीं होती, वो ये लंबा रिश्ता होता भाई साहब, मरते दम तक खत्म तो होता नहीं, तो उसकी आप कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। बाज बात ऐसा होता है कि जब बहन की शादी हो जाती है तो उसके हालात बुरे भी हो जाते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं, तो अगर आपके पास चार पैसे ज्यादा हैं तो आप उसकी पैसों से भी, लेकिन आज का जो ट्रेंड चल चुका है ना जो विरासत है उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता, हालांकि सारे हमारे यहाँ नहीं दिया जाता, उधर देते हैं भाई साहब हिंदू धर्म में, मतलब देते हैं, कौन देता, बहुत कम भाई साहब, नहीं नहीं बहुत कम। आपकी वालदा को मिला? मिला, लेकिन वालदा इनका पति स्टांस क्या होता है, तुम्हारे मामू ने दिया ना हिस्से की जमीन, वो आती है, लेकिन ये हमारी माई क्या करती, तुम्हारे अपने भाइयों को देने की ज्यादा उनको चाह होती है। आपकी वालदा के नाम है कि नहीं ये है, आप अपनी सिस्टर को देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल, तो फिर ट्रेंड कहाँ हुआ भाई, ऐसे ही छोड़ते रहते हैं ऐसे। अच्छा हमारे गाँव में कितने लोगों ने लिए भाई, सारे ही देते हैं, ली कितने ने, ये वो बहने ना ले भाई, भाइयों को वापस कर ले, पता नहीं कल को मुसीबत ही हमारे ऊपर आ सकती है, लेकिन प्यार से काम आ सकती है, कहीं ले लेते होता है, पूरे वक्त में वो भाई बहनों का साथ नहीं देते और नहीं छोड़ते हैं भाई, नहीं छोड़ते इस तरह वैसा नहीं करना चाहिए। चलो भाइयों का भी वैसा भाग्य उनको दे, चाहे वो कितनी ना करती रहे, वैसा उनका जो भाग्य वो दे, उसके आखिरत में पूछ गए छोड़ी है। चलो माँ को बोलना ले ले, तो मैंने तो उसको बोला है, हमारा हक है, ठीक है, हमारे मामू भी बोलते हैं, हाँ तो ठीक है, बस भी माइंड है, उन्होंने बोला हमने आपको देनी है, हाँ तो ठीक है, माँ को बोलो ले ले, तुम्हारी माँ सोच रही है, अगर तुम्हारी माँ जमीन लेगी तो तुम्हारे जो मामू है वो तुम्हारी माँ के साथ नहीं खड़े होंगे कल को, वो मोहब्बत से नहीं लेती है, और कानूनी तौर पर भी भाई विरासत उनका कोई कोई नहीं छीन सकता, अगर कोई चाहे तो ले सकता है भाई साहब, जिसका हिस्सा था लेना चाहे तो ले यार सकता है। मेरा कहने का मतलब जी है, अगर तू तो कह रहा है ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंड ही है ना, देखो लेते ही नहीं भाई साहब, नहीं है। अच्छा हमारे गांव के अंदर अब देख लो कितना ज्यादा रेट पड़ रहा है, लेकिन जिसके यहाँ जो जो उसके नाम है जो मरले है भाई साहब, वो नहीं दे रही,
क्योंकि उनको पता है जो हमारे मुल्क के हालात है वही तो कहा है इसका हिस्सा उसको तो मिलना ही चाहिए हालात जैसे भी हो वो बहन के लिए भाई अच्छा बहन के लिए गरीबी है भाइयों के लिए गरीबी आ जाती है भी सोच बंदा लेकर फिर रहा है तो बाकी भाई साहब ये बात है कि भाइयों का भी हक बनता है कि बहन के साथ खड़ा हूँ और बहनों की जो दुआएं होती है ना भाई साहब वो बहुत जरूरी होती है और रिश्ते ही बहुत प्यार होता है और भाई साहब फिर भी बार बार ना वो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक बिल्कुल और ये रिश्ता बहुत प्यारा है और ये त्योहार भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसमें भाई साहब भाई बहन का प्यार दिखाया जाता है बिल्कुल तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और खान साहब की तो बात ही अलग है भाई साहब जिसको इतनी बहनें मिल जाए कितनी दुआएं साथ होंगी भाई बेशक बहुत बढ़िया लगा भाई देख के और खान साहब की डिटेल में भी वीडियो है कि जिसमें वो खाना खिलाएंगे सारी बहनों पिछले साल भी देखा तो था बढ़िया ठीक है भाई मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।